अच्छा हाँ, आर का। हाँ हाँ तो सर उसका जो फ्लेवर सर एमपीपीएस का जो रहता है उसको जो मिला वो अभी तक मेरा हाफ मिला है, हाफ तो मिला ही नहीं सर। वो कलम पर आए उनका उसने ट्रायल आर का प्रोग्राम बारे में पूछ अच्छा रहा है आर का। हाँ तो क्या कर रहा आर टॉपिक तो आर प्रोग्रामिंग करके आएगा, गूगल पे सब है। तुम्हें आर में क्या सीखना है ये देखो ना, कोडिंग मेन तो कोडिंग, तो कोडिंग तभी आती है जब कोडिंग करोगे, ये चीज़ें हैं। सो कोडिंग आपको तब आएगी जब कोडिंग करोगे, ऐसे देख के पढ़ के नहीं आएगा, कोड लिखना पड़ेगा। जैसे छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करो, ऑनलाइन देखो कि मान लो फैक्टोरियल का प्रोग्राम लिखना है तो कैसे लिखते हैं आर में, वो लिख के देखो। प्राइम नंबर का प्रोग्राम नहीं लिखना सर है आपके तो आपके हाँ, सर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है ना तो उसको सर उसमें तो पास होना है तो उसके लिए तो अब मेरे को आर सिलेबस का देखो तो ना कि आपके एग्जाम का सिलेबस में हाँ लिखा होगा क्या क्या करना है आर में इस हाँ लिए। तो सिलेबस में सर आर प्रोग्राम और आर इंग्लिश और उसके बारे में मिल गया सर। और बाकी सर जो एस पी एस एस है बाकी उसके बारे में सर नहीं मिला सर। अच्छा हाँ, तो जो भी है देखना पड़ेगा तुम्हें। और यूट्यूब वगैरह आ रहे हैं बहुत सर शॉर्ट वीडियो पड़ी है तो उसके अंदर कुछ इतना सर वो नहीं पा रहा है सर उसके अलावा और कुछ ऑप्शन के अंदर। तो कॉलेज में पढ़ाते हैं ना ये लोग। कॉलेज में सर डबल क्लास की उसके सर स्टॉक को डाल देते ना तो सर उसमें अब से कॉलेज में क्लास नहीं करोगे तो कैसे होगा? क्लास तो बात उसकी नहीं है ना तो सर कैसे हो पाएगा सर। अच्छा होती नहीं है तो एग्जाम में भी तो ऐसे ही पास कर देंगे फिर तो जहाँ पढ़ाते नहीं वहाँ तो ऐसे ही पास कर देते हैं। नहीं सर एक्चुअल काफी मुझे चेक होना जाती है ना तो मुझे सर एक हफ्ते बैक कर कर याद किए सर सर मुझे रखिए सर। ठीक है चलो, तो आगे थोड़ा बढ़ते हैं। हाँ ठीक है, वो तो आपको करना पड़ेगा, जहाँ की जैसे बाकी आपके क्लासमेट्स कर रहे हैं वैसे आपको भी करना पड़ेगा वो चीज़ें, आप देखना पड़ेगा कैसे कर रहे हैं। तो हाँ सर चलो भाई, तो आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग गेट का सिलेबस कवर कर रहे थे, तो इसमें अगर किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो, अगर कल जिन्हें लोगों ने कवर किए होंगे। हाँ कल हम बेसिक्स कर रहे थे ना, तो कल तो हमने बेसिक्स से स्टार्ट किया था। ये किसका है? एसटी का ना। हाँ ये एसटी का सिलेबस, तो यहाँ से हमने कल स्टार्ट किया था एक्सियोमेटिक डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी से, और उस पर थोड़ा सा आता हूँ मैं। तो चैट में क्या है, थोड़ा चैट ना, ये सिस्टम दूर है मेरे से तो पास आके देखना पड़ेगा। तो ओके ओके, स्टार्ट द क्लास। तो तुम्हारा गेट बैच है कि जैम बैच है भाई रिक्की? तुम्हारा गेट बैच है क्या? यहाँ पे क्या है, तो हम लोग कल क्या देख रहे थे, कल हम लोगों ने डिस्कस किया था एक्सियोमेटिक डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी है ना। हमने एक्सियोमेटिक डेफिनेशन पे स्टार्ट किया था, थोड़ा डिसजॉइंट डिस्कस कर रहे थे, म्यूचुअली डिसजॉइंट, पेयर वाइज डिसजॉइंट ये डिस्कस किया था। और बाकी रैंडम एक्सपेरिमेंट, सैम्पल स्पेस, इवेंट आप लोग जानते हो, सिग्मा फील्ड डिस्कस कर रहे थे हम, तो सिग्मा फील्ड डिस्कस किया था ना, और इसका आई थिंक डेफिनेशन भी लिखा था, तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ अभी जिस डिस्कस कर रहे थे वहाँ पे। सो इसमें ये होता है कि जैसे मैं एक जस्ट थ्योरम लिख देता हूँ, अभी वहाँ लिख रहा था सेम चीज़ कि लेट ओमेगा बी सैम्पल स्पेस एंड ए बी क्या सिग्मा फील्ड, ए बी सिग्मा फील्ड यही है। सो ओमेगा क्या है, सैम्पल स्पेस है, और ए क्या है, सिग्मा फील्ड है। तो क्या होगा देखो, इवेंट जो होते हैं, सो मैं अगर ऐसा बोलता हूँ कि लेट ई बी एन इवेंट, ई एंड एफ आर इवेंट्स, तो इसका ये मतलब है कि ई एफ इवेंट्स है, इसका क्या मतलब है, इवेंट होने से मतलब है कि इवेंट होने से क्या मतलब है कि या तो वो या क्या मतलब होगा ही। सो इवेंट क्या होगा, मतलब इवेंट जो होंगे सबसेट होंगे सैंपल स्पेस के ना, ई सबसेट ऑफ दिस, एफ इज सबसेट ऑफ दिस, ऑल्सो ये समझ सकते हो ई इज एलिमेंट ऑफ सिग्मा फील्ड, एफ इज एलिमेंट ऑफ सिग्मा फील्ड, ये होगा ठीक है। सो ई जो है एलिमेंट है सिग्मा फील्ड का और एफ है एलिमेंट है सिग्मा फील्ड का।
तो यहाँ मतलब ये है ना। सो इवेंट जो भी होंगे सबसेट होंगे सिग्मा फील्ड सैंपल स्पेस का, और एलिमेंट होगा सिग्मा फील्ड का। तो यहाँ बस ये बताना चाह रहा हूँ इतना मैं कि अगर ई एफ तुम्हारा इवेंट्स हैं, इफ ई एंड एफ आर इवेंट्स, देन क्या होगा, देन ये है कि अगर पहला पॉइंट लिखूं, सो ई यूनियन एफ ये भी इवेंट होगा, तो इसका ये मतलब बोलना चाह रहा हूं कि ई एंड एफ जो होंगे, सो सो इसका अगर मीनिंग लिखूं दैट इज सो ई यूनियन एफ जो होंगे वो भी सिग्मा फील्ड का ही मेंबर होगा, है ना, ये मतलब है, या सबसेट होगा ऑब्वियसली। सो ई यूनियन एफ भी सबसेट होगा उसका। दूसरा अगर है ना ई माइनस एफ ये भी इवेंट होगा, ई इंटरसेक्शन एफ दिस इज ऑल्सो एन इवेंट, और क्या है बाकी कुछ भी लिख लो, है ना, ई माइनस एफ यूनियन एफ माइनस ई, ये सब जो होंगे ये सब इवेंट्स होंगे, मतलब एनी अलजेब्रिक ऑपरेशंस यू अप्लाई ओवर ई एन एफ तो वो इवेंट ही होगा। E कॉम्प्लीमेंट यूनियन F कॉम्प्लीमेंट वो भी तुम्हारा इवेंट होगा, ठीक है ना। सो ये चीज़ है, तो ये बस दिस यू नो ऑलरेडी। तो जो सिग्मा फील्ड जो भी सेट होंगे, अगर ई एफ सिग्मा फील्ड में है तो ई यूनियन F, ई इंटरसेक्शन F, ई माइनस F, ये सब सिग्मा फील्ड में होगा, ठीक है। तो इस तरह से है, ओके okay, अब आगे थोड़ा आते हैं। तो आगे क्या है कि एक्सुमेटिव डेफिनेशन कल हमने देखा था। सो इसमें वट इज़ प्रॉबलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, ये सब कुछ फॉर्मूला देख लो या बेसिक जो फॉर्मूले हैं। सो बेसिक मान लो हाँ ई कॉम्प्लीमेंट, जैसे ई यूनियन एफ का क्या फॉर्मूला है, ई माइनस एफ का क्या फॉर्मूला है, और क्या होगा बोलो, जैसे माया पे है हमारे पास है, अगर सैंपल स्पेशल वो थ्योरम में लिख दूंगा, इसका फॉर्मूला बताओ, तो दिस यू नो प्रॉपर्टी ऑफ ई, हाँ सो ये आपका हो जाएगा वन माइनस पी ई, और इसका फॉर्मूला क्या होगा ये भी सब जानते हैं, मैं प्रूफ ज़्यादा लिखने की कोशिश नहीं करूँगा, पी ई प्लस पी एफ, और ये क्या होता है, सो दिस सेट इज सेम एज ई इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट, और ये सेम होगा पी ई माइनस पी ई इंटरसेक्शन एफ, और इन सब सेट्स को आप वेन डायग्राम पे भी देख सकते हो, दैट माइट आपको पता होगा। सो ये ई है ये एफ है, तो ई कॉम्प्लीमेंट मतलब ई के बाहर वाला पोर्शन, और बाकी ई माइनस एफ ये पोर्शन है, सो दिस पोर्शन इज ई माइनस एफ, ये जो सेडेड पोर्शन है ये क्या है ई माइनस एफ है, वही ऐसी ये इंटरसेक्शन एफ है, तो सब पता तो भाई तुम लोगों को क्या ही बताना है। सो दिस पोर्शन इज ई इंटरसेक्शन एफ, फिर ये एफ माइनस ई है एंड सो ऑन। फिर एक्सोमेट्रिक डेफिनेशन क्या कहता है, मान लो अगर ऐसा है तुम्हारे पास लेट से मैं थ्योरम लिख दूं रिमार्क लिख दूं, सो अगर तुम्हारे पास सैंपल स्पेस है मान लो लेट सैंपल स्पेस इज इसके एलिमेंट्स है w1 w2 ओमेगा 1 ओमेगा 2 अप टू ओमेगा n है ना, और a कोई है लेट से a या e, मान लो यहाँ पे एग्जांपल के लिए w1 w2 अप टू wk लिख दिया अभी समझो, है ना, जहाँ k जो होगा वो लेस देन इक्वल टू n होगा। सो हाउ डू यू राइट प्रोबेबिलिटी ऑफ e, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ e क्या होगा, मतलब हमारे पास सैंपल स्पेस में n एलिमेंट्स हैं और इवेंट e के पास k एलिमेंट है, हाउ डू यू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट e क्या होगा, k by n पक्का, कोई और बताओ,
चलो कल वाला क्वेश्चन याद दिलाता हूँ, कल हमने क्वेश्चन लिखा था ना जहाँ सैंपल स्पेस था एच के बाद, हमने क्या कहा था डाइस के बाद डाई को रोल किया, कल एक क्वेश्चन लिखा था मैंने कि डाइस रोल्ड इफ इवन नंबर कम्स यू टॉस अ क्वाइन, सो वन एच या मतलब चलो ऑड नंबर कम्स टॉस अ क्वाइन जैसे करना है। ये था, फिर हमने कहा था कि अगर ऑड नंबर आया तो क्या करो, पेयर ऑफ क्वाइंस है ना, तो वहां था कि वन एच एच वन एच टी ठीक है ना, फिर वन टी एच मतलब इस तरह से बहुत सारे लिख सकते हो, वन टी टी एंड सो ऑन, लास्ट में मान लो फोर टी टी तक जाएगा। तो इसमें टोटल कितने आउटकम है सैंपल स्पेस में अभी, तो इसमें ये था कि 2 4 6 तीन था, उसके बाद क्वाइन 3 2 6 और अगले में था ऑड है 1 3 5 × 4 12 12 + 6 18, तो यहाँ 18 एलिमेंट्स हैं। मैं एक इवेंट लिख रहा हूँ, फॉर एग्जांपल 2H है और लास्ट में लिख लो ये वाला, ये वही लिख लो 1HH वाला। सो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, हाँ जी अभी जो लोग आंसर दे रहे थे उनके हिसाब से 2 × 18 हो जाएगा, मैं कल भी समझाया था ये गलत है, सही आंसर क्या है फिर, ये तो मैं यहां लिख रहा हूं, यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं, यहां मैं यही लिखा है W एंड W यही वाला सेम चीज है, सिचुएशन है। सो आप लोग कह रहे हो K बाई N क्या जरूरी है, तो देखो जब तक आपको ये श्योर ना हो कि सैंपल स्पेस में आउटकम्स इक्वली लाइकली है कि नहीं है, तो आप यूज नहीं कर सकते नंबर ऑफ आउटकम्स इन ई अपॉन नंबर ऑफ आउटकम्स इन सैंपल स्पेस, यू कैन नॉट यूज है ना। सो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या है कि लाइक यहाँ पे आपको फाइंड करना होगा इंडिविजुअल एलिमेंट्स की प्रॉबिलिटी, सो यू हैव टू फाइंड प्रॉबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल एलिमेंट्स ठीक है ना। सो आपको इंडिविजुअल एलिमेंट्स की प्रॉबिलिटी निकालनी होगी, एंड देन 2H की निकालोगे तो डाइस पे 2 आने की प्रॉबिलिटी 1/6, कॉइन पे हेड आने की 1/2, डाइस पे 1 आने की 1/6, कॉइन पे हेड आने की 1/2, हेड आने की 1/2। सो ये जैसे 1/12 है और इधर से 1/24 हो गया, सो 24 हो गया 3/24, 1/8 चेक कर लो, तो इसका आंसर एक्चुअली 2/18 नहीं 1/8 है ठीक, 1/8 है। सो मैं यहां ये बताना चाह रहा हूं कि हाउ विल यू राइट दिस, तो अगर यहां हम एक्सियोमेटिक डेफिनेशन यूज करेंगे, तो एक्सियोमेटिक डेफिनेशन में ऑलरेडी कल लिख चुका हूं, तो मैंने रिपीट नहीं किया है, मैं आगे उसके आगे कंटिन्यू कर रहा हूं। सो अगर इसको मैं ऐसे थ्योरेटिकली लिखना चाहूं तो हम ऐसे लिखेंगे कि समेशन प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा आई I from 1 to k, ये मतलब है कि you have to find probability of individual elements actually, axiomatic definition अगर use कर रहे हैं तो आपको खुद decide करना पड़ता है कि कब आपको ये formula लगाना है और कब probability of E is equal to number of element in E upon number of element in sample space, कब कौन सा formula लगाना है आपको ये decide करना पड़ेगा। जी तो आपने कैसे अज्यूम कर लिया इक्वली लाइकली है जब नहीं दिया है, एक्सियोमेटिक हमेशा काम करेगा, एक्सियोमेटिक में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। जी 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 सो अगर नहीं कुछ दिया है तो आप लोग कैसे अपने मर्जी से अज्यूम कर लेते हो इक्वली लाइकली, कहाँ लिखा है कि सैंपल स्पेस में इक्वली लाइकली, मैं भी तो वही कर रहा हूँ जो आप कह रहे हो, तो आपने अज्यूम कर लिया कि एन के अपॉन एन होगा, कैसे अज्यूम कर लिया आपने। हाँ तो इसलिए एग्जाम में भी लगेगा, एग्जाम में मार्क्स नहीं आएगा फिर, एग्जाम में एग्जामिनर को समझाना जाके
कि लग रहा था इसलिए मैंने कर दिया, तो मुझे क्वालिफाई कर दो है। ठीक है जी, ये मैं बस बताना चाह रहा हूँ, कल चूंकि हमने डिस्कस किया था, कल को कंटिन्यू कर रहा हूँ उसी क्लास को, तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं अभी। ये एग्जाम्पल हमने कल भी दिया था आपको, ये बताया था ये आंसर नहीं आएगा, बट ये कंटिन्यू नहीं किया था ना। सेम एक और एग्जाम्पल हमने कल लिखा था वो वाला, कि एक और एग्जाम्पल लिखे थे ना, इसमें ये था मान लो अ कॉइन इज टॉस्ड अंटिल हेड इज ऑब्टेंड, यही था ना, तो उस केस में था हेड टेल हेड, हाँ टेल टेल हेड है ना। फिर ये हमारे पास है, अब आपसे मान लो कोई इवेंट, अब हमने दे दिया आपको इवेंट हमारा है कि एच और मान लो टी एच, यही दो एग्जांपल है ना, या एच हो गया या वो दे लो ये वाला एलिमेंट है। सो जैसे कोई पूछेगा व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, सो हमने कल डिस्कस किया था कि इसकी प्रोबेबिलिटी आप सोचोगे टू अपॉन, ये तो इनफाइनाइट है, तो कैसे इनफाइनाइट, ये तो गलत हो जाएगा ना। एक्चुअल में प्रोबेबिलिटी क्या सही है, हाउ विल यू फाइंड द प्रोबेबिलिटी, क्या होगा, 1/2 + 1/2 to the power 4। तो यहाँ इंडिविजुअली प्रॉबर्टी निकालनी पड़ेगी, हेड प्लस टी 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 एच, तो यहाँ पे आ जाएगा, हाँ यहाँ है ना, तो 1/2 to the power 4 मतलब 1/16, सो 1/16 तो ये 16 हो गया, कितना हो गया 9, तो ये 9/16। तो एक्चुअली यहाँ पे जो e की प्रॉबर्टी है वो 9/16 है ना, यहाँ e की जो प्रॉबर्टी है वो 9/16 है, ये है, ठीक है ना। सो अब थोड़े आगे बढ़ते हैं। सो एक बार मैं एक्सियोमेटिक डेफिनेशन को लिखता हूँ, फिर आगे रिपीट करता हूँ। देखो सो जो हमने कल एक्सियोमेटिक डेफिनेशन लिखा था, तो उसमें ये देखे थे कि तीन कंडीशन थे है ना, मतलब कोई हमारे पास ये लिखा था कि लेट ओमेगा बी सैंपल स्पेस स्पेस है ना, और पी था ए बी द सिग्मा फील्ड है ना, एंड दिस ए बी सिग्मा फील्ड ठीक है ना, सिग्मा फील्ड एसोसिएटेड विद ओमेगा। सो हमने क्या बताया था कि पी जो है प्रोबेबिलिटी इज अ फंक्शन फ्रॉम सिग्मा फील्ड टू 0 1 इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। सो अ फंक्शन पी इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी इफ एंड ओनली इफ इट सेटिस्फाई थ्री कंडीशन। पहली कंडीशन ये थी कि प्रॉबर्टी ऑफ ई विल बी मोर देन इक्वल टू जीरो फॉर ऑल ई बिलोंग्स टू सिग्मा फील्ड। सेकेंड कंडीशन थी कि प्रॉबर्टी ऑफ सैम्पल स्पेस मस्ट बी 1, एंड थर्ड कंडीशन है, सो व्हाट इज थर्ड कंडीशन, हाँ सो इफ ई 1 ई 2 एंड डॉट 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 they are pairwise disjoint, यहीं से तो क्लास स्टार्ट किया था कल हमने, pairwise disjoint events, then if e1 e2 en are pairwise disjoint events then probability of union of eis I from 1 to मान लो infinity ले लो, so that will be exactly equal to probability of eis I from 1 to infinity। तो ये सिर्फ पेयरवाइज के केस में हो रहा है डिसजॉइंट है ना। अब इसको थोड़ा मैं एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि कल कल टाइम खत्म हो गया था तो एक्सप्लेन नहीं किया। सो ये तो डेफिनेशन हो गया, दिस इज फाइन ना, तो मैं इसको बहुत यूज़ करूँगा आगे, क्वेश्चन में भी हम लोग खूब यूज़ करेंगे इस चीज़ को, ये तो हमें पता ही रहता है, ये तो ऑब्वियस दोनों चीज़ें हैं, ये यूज़ होगा कि अगर ये पेयरवाइज डिसजॉइंट है तो यूनियन प्रोबेबिलिटी मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन कैन बी रिटन एज सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज एट ईच इवेंट्स। जैसे इसका सिंपल बेसिक सा एग्जांपल देखेंगे आप, तो मान लो ऐसा है कि लेट ए एंड बी आर डिसजॉइंट, सिंपल, तो क्या हो जाएगा,
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी विल बी व्हाट, सिंपली इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। तो ये तब है जब डिसजॉइंट है। इन जनरल अगर मैं आपसे पूछूं, सो ये कंडीशन कब है, अब थ्योरम अगर मैं लिखूं कि लेट ए एंड बी आर इवेंट्स, देन जस्ट इवेंट्स हैं, आप कोई अजम्पशन अज्यूम नहीं करोगे कि इवेंट है तो डिसजॉइंट है, जैसे कुछ भी हो सकता है, डिसजॉइंट नहीं भी हो सकता, हो भी सकता है ना। सो जस्ट टू इवेंट्स हैं, सो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इन दोनों में क्या रिलेशन है, है ना। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी विल बी लेस देन इक्वल टू दिस, और ये बहुत ऑब्वियस है क्योंकि हमें पता है अगर इसका प्रूफ लिखना हो इट्स वेरी ऑब्वियस बिकॉज इसमें सब्ट्रैक्शन भी तो होता है इसका, है ना, ये लार्जर है बिकॉज, है ना, इसका अगर प्रूफ भी एक लाइन का ही है, सो प्रूफ बिकॉज ऑफ सिंस यू नो ये इंक्लूजन एक्सक्लूजन फॉर्मूला इस पे आएंगे अभी, सो पी ए प्लस पी बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, है ना। सो यू आर सब्ट्रैक्टिंग समथिंग फ्रॉम दिस टू गेट दिस, सो मीन्स दिस इज अ लार्जर क्वांटिटी, है ना, ये एक लार्जर क्वांटिटी है दैट यू आर सब्ट्रैक्टिंग समथिंग एंड देन वी आर गेटिंग दिस, सो मीन्स तो बहुत ट्रिवियल चीज़ें हैं ना ये, तो जस्ट सो मीन्स ये जो क्वांटिटी है दिस विल बी लेस देन इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, सिमिलर रिलेशनशिप होल्ड करेगा इन जनरल बाकी के साथ, जनरलाइज करूंगा थ्योरम में, सो जनरलाइज करेंगे तो इफ ई वन ई टू डॉट 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 दे आर इवेंट्स, देन इन जनरल प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन ऑफ ई आईज I from 1 to infinity is less than equal to probability of so less than equal to summation probability of ei I from 1 to infinity, so in general jo hai this is the upper bound of this quantity, theek hai, kisi ko doubt to nahi isme, so ye in general ye relation hai, ha हाँ कोई दिक्कत नहीं है, तो वो फाइनाइट के लिए हो गया, अभी मैंने इनफाइनाइट के लिए लिख दिया, दैट्स फाइन, सेम थिंग विल वर्क फॉर द फाइनाइट आल्सो, सो अच्छा तो इससे मैं ये बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पे सर एक्चुअली व्हेन यू आर इक्वल डिस्टेंस देन इक्वल, यस अगर वो डिसजॉइंट हो गया तो इक्वल हो जाएगा, अदरवाइज ये इसकी वैल्यू कम होगी देन दिस, है ना, तो ये अपर बाउंड रहेगा इसका एक्चुअली। चलो थोड़ा सा आते हैं, एक कॉन्सेप्ट का नाम है इंक्लूजन एक्सक्लूजन फॉर्मूला, इंक्लूजन एक्सक्लूजन फॉर्मूला, या इसी का नाम है एडिशन थ्योरम, एडिशन थ्योरम। सो बताइए आप लोग क्या जानते हैं इसके बारे में, एडिशन थ्योरम में क्या है कि यू वांट टू राइट ई वन यूनियन ई टू यूनियन ई थ्री एंड अप टू यूनियन ई एन, इसमें बहुत सारे सेट्स हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, आगे क्या लिखें, नॉट इक्वल टू जे या आई लेस देन जे, अगर आप यहां लिखोगे आई नॉट इक्वल टू जे इसका क्या मतलब हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा कि ई वन इंटरसेक्शन ई टू प्लस ई टू इंटरसेक्शन ई वन दो बार आ जाएगा वो चीज, तो यहां मुझे क्या लिखना पड़ेगा, अच्छा मुझे लगा ये सिखाने से पहले मुझे थोड़ा सा आओ थोड़े वो देखते हैं थोड़ा सा इधर से ताकि आपको रिलेट रहे, देखो सो इसको थोड़ा सा रिलेट करो पहले,
क्योंकि जनरलाइज में कुछ लोगों को ना हवा नहीं लगेगा, तो पहले एक आसान सा दो तीन एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं। तो एक्सपेरिमेंट करके अगर आप देखोगे, सो दिस यू नो ई वन प्लस ई टू माइनस ई वन इंटरसेक्शन ई टू, ठीक है, तो ये आप लोग जानते हो। एंड जरा समझो, सो ये सिंपल है, इसको मैं लिख सकता हूँ समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई आई फ्रॉम वन से टू, और ये एक्चुअली इसको शॉर्ट में ऐसा भी लिख सकता हूँ, यूनियन ऑफ ई आई आई फ्रॉम वन से टू, इसी चीज़ को मैं सेम चीज़ लिख रहा हूँ, और यहाँ पे तो है कुछ है ही नहीं, तो ये बस ई वन इंटरसेक्शन ई टू है, ठीक है ना। या इसको मैं अगर ऐसा चाहूँ तो ऐसा लिख सकता हूँ, जस्ट नोटेशन बताना चाह रहा हूँ, सो इंटरसेक्शन ऑफ ई आई आई फ्रॉम वन से टू, है ना। अभी तो मतलब ये कोई दिक्कत नहीं, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, इस चीज़ को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, और इस चीज़ को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, सेम है। सो अब जैसे तीन के लिए बात करता हूँ, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन ऑफ ई आईज आई फ्रॉम वन टू थ्री, सो नाउ यू नो द मीनिंग, है ना, इसका मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग हो गया ई वन यूनियन ई टू यूनियन ई थ्री, ठीक है, तो इस सेट का मतलब है ई वन यूनियन ई टू यूनियन ई थ्री। इसको जब खोलेंगे तो क्या होगा, तो पहले पूरा ओपन करके देख देता हूँ, है ना। सो अगर पूरा ओपन करेंगे, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वन प्लस ई टू प्लस ई थ्री माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वन इंटरसेक्शन ई टू माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू इंटरसेक्शन ई थ्री माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वन इंटरसेक्शन ई थ्री, ठीक है, ये हो गया। सो ई वन इंटरसेक्शन ई टू, ई टू इंटरसेक्शन ई थ्री, और बाद में होता है प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वन इंटरसेक्शन ई टू इंटरसेक्शन ई थ्री, है ना। सो दिस फॉर्मूला अगेन ऑल ऑफ यू नो ऑलरेडी, है ना, इसमें कुछ नया नहीं है, सो दिस यू नो। अब इसको मैं थोड़ा उसमें लिखना चाह रहा हूँ शॉर्ट में इसी को, है ना। सो अभी बेटर है कि इसको मैं वैसे लिख देता हूँ, ओपन करके लिखा है तो ठीक। तो यहां से आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ई वन, अच्छा ये उस फॉर्म में लिख देता हूँ जो पहले लिखे थे। सो पहले लिखा था मैंने यूनियन ऑफ ई आईज आई फ्रॉम वन टू थ्री, ठीक है, सो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो इस चीज को आप ऐसा लिख सकते हो। अब हम अगेन इन तीनों टर्म को कंबाइन कर सकते हैं, तो इन तीनों टर्म को कंबाइन करेंगे तो क्या होगा, क्योंकि फॉर्मूला ऐसे ही बनता है पहले ना, एक्सपेरिमेंट होते हैं। सो यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई आई फ्रॉम वन टू थ्री, अब इन इन तीनों को ऐड करो, ये इन तीन टर्म को ऐड करो, तो अगर मैं इसको यहाँ लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल डबल समेसन में, चलो काम करता हूँ, डबल समेसन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई इंटरसेक्शन ई जे, सो इफ यू नोटिस तो ई आई के प्लेस पे ई वन ई टू ई वन यही आया ना, बस ई आई के प्लेस पे वो नहीं आया, ई टू के प्लेस पे जे के ई जे ई थ्री ई थ्री आया है। सो यहाँ पे क्या लिखना चाहूँगा मैं, ई वन ई टू ई थ्री, सो यहाँ मैं बोल रहा हूँ आई कैन टेक वैल्यू वन से थ्री, जे कैन टेक वैल्यू वन से थ्री, बट रेस्ट्रिक्शन क्या है। अब आप कंपेयर करो कि ये जो आई जे में क्या रेस्ट्रिक्शन है, तो जैसे यहाँ आई वन है जे, सो यहाँ पे आई विल बी स्ट्रिक्टली लेस देन जे, वेयर एवर यू सी वन इज लेस देन टू, टू इज लेस देन थ्री, वन इज लेस देन थ्री, नो मोर पॉसिबल केसेस यू कैन मेक। सो इसके करस्पॉन्डिंग ये तीन केस है, तीनों कंबाइन होके ऐसा बन गया। एंड द लास्ट कंडीशन जो है, सो ये वाली चीज, इसको तुम ऐसे ही लिख सकते हो, दिस इज प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन ऑफ ई आई आई फ्रॉम वन टू थ्री, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई आई फ्रॉम वन टू थ्री। सो ये हो गया हमारे पास। अब मैं इसी को जनरलाइज कर देता हूँ, चार के लिए लिखता हूँ यूनियन ऑफ ई आईज आई फ्रॉम वन टू फोर। सो मतलब अब मेरे पास फोर सेट्स हैं ई वन ई टू ई थ्री ई फोर, एंड वी हैव टू राइट प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन ऑफ ई आईज आई फ्रॉम वन टू फोर। इसको सिंप्लीफाई करो, सो ये होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई आई फ्रॉम वन टू फोर माइनस
समेशन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई इंटरसेक्शन ई जे, डबल समेशन लिखना, डबल समेशन लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, है ना, दो वेरिएबल इसलिए डबल समेशन चलेगा, वरना सिंगल समेशन में भी काम कर सकते हो, बट अभी डबल समेशन लिख लो. सो आई फ्रॉम वन टू फोर, जे फ्रॉम वन टू फोर, बट द कंडीशन इज आई शुड बी स्ट्रिक्टली लेस देन जे, ये देखना है आपको. हाँ नहीं नहीं मतलब दो लिखने के बजाय एक ही लिख दो, दोनों नोटेशन के बदले, वो समझने के लिए है, मीनिंग तो डबल ही है, लेकिन सिंगल समेशन का मतलब ये हो गया कि आई जे उसी पे रख दो, मतलब वही है समेशन कर रहे हैं, मीनिंग तो है कि दो वेरिएबल है, दो समेशन आएगा. मैं कह रहा हूँ इतना लिखने के बजाय तुम एक बड़ा सा समेशन लिख दो, यही आई यही जे डाल दो, जस्ट मीनिंग वही है ना. नहीं नहीं यहाँ पे नहीं नहीं मैं बोल रहा हूँ कुछ बुक्स में तुम देखोगे वो लोग समेशन उतना नहीं लगाते, वो मतलब कहना चाहते कि समेशन आई जे पे है जहाँ आई लेस देन जे होगा, यू जस्ट डू दैट, अदरवाइज ये ठीक है, ये बेटर है ना. वो तुम कुछ बुक्स में देखोगे, वो चूंकि बार बार समेशन नहीं लिखना चाहता है तो वो एक पे वेरिएबल मतलब वही रहेगा एक्चुअली, तो छोड़ो अभी ये सही है, इसको रहने दो. अगला क्या होगा, प्लस ट्रिपल समेशन, तो टेकन वन एट अ टाइम, टेकन टू सेट एट अ टाइम, नाउ टेकन थ्री एट अ टाइम. ये आ जाएगा, तो इस तरह से अच्छा आगे मैं रुक जाए, एक मिनट रुक जाओ, प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, आगे और होगा ना, एक और आएगा ना टर्म, माइनस कहाँ प्लस आएगा, अभी एक और टर्म आएगा वो लिखा नहीं मैंने. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई आई फ्रॉम वन टू फोर, अब सही है ना. सो चार एलिमेंट का यूनियन है ना, टेकन वन एट अ टाइम, टेकन टू एट अ टाइम, टेकन थ्री एट अ टाइम, टेकन ऑल एट अ टाइम, ये हो गया. अब इसका जनरलाइजेशन ये लिख रहा था मैं यहाँ पे, सो आई एम राइटिंग जस्ट ये यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, इसका जनरलाइजेशन ही लिख रहा था, यही चीज़ मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि आप चाहो तो इसको ऐसा लिख लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन ऑफ ई आई आई फ्रॉम वन टू एन, अब एन यहाँ कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, ठीक. सो आई फ्रॉम वन टू एन, अब इसको ओपन कर रहे थे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई आई फ्रॉम वन टू एन, टू टर्म्स हैं, सो I from 1 to n, j from 1 to n, I less than j हो गया. आगे क्या होगा, प्लस फिर वही ट्रिपल समेशन, ई आई इंटरसेक्शन ई जे इंटरसेक्शन ई के, आई फ्रॉम 1 to n, j from 1 to n, k from 1 to n, I less than j less than k. And it will go like this, है ना, plus minus plus minus. अब last में क्या होगा? यहाँ तुम note कर रहे होगे? जी, रुक जाओ. हाँ, ठीक है. देखो, यहाँ four तक था, तो minus आया है. जब यहाँ three terms तक थे, तो plus आया है. Two terms था, तो minus आया है. तो मतलब जब n even होगा, तो minus आएगा. और जब n odd है, तो plus आएगा. तो आप इसको देख के एक माइंडसेट बना सकते हो, जनरलाइज कर सकते हो. सो यहाँ पे क्या आएगा, ये चलती रहेगी चीज़ें, लास्ट में आएगा माइनस वन की पावर एन प्लस वन. अच्छा, अगर माइनस होंगे एन में क्या गलती है, सो अगर आप एन लिखते हो तो आपको दिख जाएगा कि क्या गलती है. सपोज अगर मैं मैंने गलती से ये लिख दिया माइनस वन की पावर एन, तो होगा क्या, अगर एन टू है फॉर एग्जाम्पल, तो 2 के लिए यहाँ पे प्लस आ जाएगा, लेकिन 2 में क्या होता है बाद में, माइनस ई वन इंटरसेक्शन ई टू होता है. अगर n 3 है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, 3 वाले में क्या होता है प्लस होता है, तो इसलिए आपको समझना है यहाँ पे n प्लस वन आएगा, या n माइनस वन भी सही है. हाँ, क्या ही फर्क पड़ता है, n प्लस वन है सेम चीज़ है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो यू राइट n माइनस वन और n प्लस वन, इट्स ओके. सो
ठीक है ना, मान लो एन टू है तो यहाँ पावर थ्री हो गया तो माइनस हो गया, एन टू है माइनस एन माइनस वन करोगे पावर वन हो गया, तभी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि एन इवन है तो एन माइनस वन एन प्लस वन दोनों ऑड है, एन अगर ऑड है तो एन माइनस वन एन प्लस वन दोनों इवन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पाव माइनस के मांगे पावर ही तो है तो कोई इफेक्ट थोड़ी करेगा। ठीक है जी, यस हाँ वही मतलब वही रिलेट करना है आपको, यू हैव टू जस्ट रिलेट, है ना। सो आपको जस्ट क्या करना है, रिलेट करना है, पैटर्न को ऑब्जर्व करना है। ठीक है चलिए, सो अब देखो ये मैं क्यों बता रहा हूँ, एक आगे ना डेफिनेट वो लिखा होगा, अभी कई बार इनइक्वालिटी आती है। सो अभी मैंने लिखा था थ्योरम, मैं इसको थोड़ा सा इस थ्योरी को रिलेट करता हूँ क्योंकि एग्जाम में क्या होगा ना, आपको चार ऑप्शंस दे देगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू या फॉल्स, तो वहाँ पर ये सब हेल्प करेगा आपको। सो अभी हमने ये देखा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन ऑफ ई आईज आई फ्रॉम वन टू एन ये हमेशा लेस देन इक्वल टू होगा समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई आई फ्रॉम वन टू एन। अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ इसका लोअर बाउंड क्या है, व्हाट इज दिस लोअर बाउंड, जैसे इसका अपर बाउंड ये क्वांटिटी है, इसका लोअर बाउंड क्या है। नहीं जीरो तो ऑब्वियस लोअर बाउंड है, थोड़ा सा बेटर लोअर बाउंड बताओ, कोई नॉन जीरो क्वांटिटी बताओ ई आईज के टर्म में। तो चलो मैं बताना चाह रहा हूं आप लोगों को, आप लोगों ने बोन फेरोनी इनइक्वालिटी पढ़ा है, सो एनीवन नो बोन फेरोनी इनइक्वालिटीज क्या होता है, नहीं पढ़ा है। सो मैं बता देता हूँ उसका लोअर बाउंड क्या है, तो एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस है ना कई बार आ जाएंगे, थ्योरम्स है। तो देखो जैसा आपने फर्स्ट टर्म लिया है ना, ये क्वांटिटी हमेशा इससे छोटी होगी, यही लिखा ना हमने कि ये जो क्वांटिटी है इससे छोटी होगी, लेकिन अगर तुम ये टू टर्म साथ में ले लोगे ना तो ये इसका लोअर बाउंड हो जाएगा, अगर इसमें तुमने इसको घटा दिया तो ये क्वांटिटी इससे छोटी हो जाएगी, तो ये लोअर बाउंड है एक्चुअली इसका। तो जस्ट यू टेक फर्स्ट टर्म, ये फर्स्ट मतलब ये फर्स्ट टर्म मैंने यहाँ लिया, सो दिस इज द अपर बाउंड, और ये दोनों टर्म एक साथ ले लोगे तो ये लोअर बाउंड हो जाता है। तो ये थ्योरम है, प्रूफ भी देख सकते हो, प्रूफ भी है इसका। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई आई फ्रॉम वन टू एन माइनस डबल समेशन, तो इसको थोड़ा सा स्पेस बनाता हूँ, इसको साथ में ले लो। सो देखो तो यहां से क्या प्रॉब्लम है, दिस माइनस डबल समेशन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई इंटरसेक्शन ई जे आई फ्रॉम वन टू एन जे फ्रॉम वन टू एन आई लेस देन जे, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास। सो ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन ऑफ ई आईज है, इसका अपर बाउंड ये क्वांटिटी है, इसका लोअर बाउंड ये क्वांटिटी है। सो ये हमेशा इन दोनों के बीच होगा, कई बार आपके एग्जाम में ऑप्शंस आ जाएंगे, जैसे मैं इसको पर्टिकुलरली लिख के दिखाऊं आपको कुछ एग्जाम्पल्स के लिए, तो मैं कुछ एग्जाम्पल्स के लिख के दिखाता हूँ। मान लो n की वैल्यू 2 है, एग्जाम्पल के लिए n इज इक्वल टू 2, तो ये कौन सी इनइक्वालिटी बनेगी, तो मैं इसको अगले पेज पे लिखता हूँ। सो व्हेन यू पुट n इज इक्वल टू 2 तो यही वाली थ्योरम बनेगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वन यूनियन ई टू इज लेस देन इक्वल टू, अब ये सब एग्जाम में एज ए ऑप्शन आएगा, ट्रू फॉल्स में आपको चूज करना पड़ेगा। सो ई वन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू, और ये मोर देन इक्वल टू होगा, क्या क्या लिखा हुआ था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वन इंटरसेक्शन ई टू। तो आप लोग लग रहा होगा तो कुछ नया नहीं है, है ना, तो इसके लिए नया नहीं है, बाकी आगे नया मिलेगा, है ना। सो ये कहना चाह रहा है कि ये जो क्वांटिटी है इससे मोर और लार्जर के इससे छोटी होगी, तो हालांकि इसके इक्वल ही है, ये तो इक्वालिटी मोर और है ना, क्या है दिस क्वांटिटी मोर देन इक्वल टू, तो इक्वल टू ही है। अगर यही चीज़ n बराबर 3 के लिए लिखोगे तो क्या बनेगी, सो
सो अगर आप n बराबर 3 के लिए ये चीज लिखोगे तो ये हो जाएगी ये हो जाएगी एंड दिस इज मोर देन इक्वल टू क्या बनेगी, ये तो आएगी प्लस सात में सो ये अपर बाउंड है ना, इसमें कुछ घटाना पड़ेगा तो क्या क्या माइनस करेंगे आप, सो ई वन इंटरसेक्शन ई टू, ई टू इंटरसेक्शन ई थ्री और ई थ्री इंटरसेक्शन ई वन या ई वन इंटरसेक्शन ई थ्री राइट। सो ये चीज है, सो ये क्वांटिटी जो है इसका लोअर बाउंड है तो इसकी वैल्यू इससे ज्यादा होगी क्योंकि आपको याद होगा ये तो रहता है यहाँ पे प्लस समथिंग रहता है तो वो ज्यादा है एक्चुअली। सेम थिंग यू कैन राइट फॉर द फोर सेट्स, फाइव सेट्स, सिक्स सेट्स, ये चीजें हैं तो है ना। तो कई बार ना एग्जाम में इस तरह की चीजें मिल जाएंगी तो आपको पता होना चाहिए कि इसका ये लोअर बाउंड है अगर ऑप्शंस रहेगा इस तरह से। सो दिस इज जस्ट जी इसका फॉर्मूला आता है तुम्हें इसके फॉर्मूला में, इसके इसके अलावा क्या एक्स्ट्रा रहता है, कहाँ माइनस आ जाता है, इसके यूनियन में कितने टर्म्स होते हैं, कुछ भी कहानी कैसे पहुंच जाते हो यहाँ तक, जो बोल रहे हो उसको लिख के देख लो ना एक बारी, कुछ भी तुक्का लगा रहे हो ऐसे ही हवाबाजी कर रहे हो, लिख के बताओ इसका फॉर्मूला कहाँ से प्लस माइनस दो आ जाता है, इसका फॉर्मूला लिखो एक बारी नोटबुक, अपने नोटबुक में लिखो पहले और फिर बोल के बताओ मुझे क्या है फॉर्मूला, कुछ भी बोलना है मतलब अपनी मर्जी से, राइट द फॉर्मूला ऑफ दिस और बताओ इसके अलावा कितने टर्म्स हैं। हाँ तुम कह रहे हो प्लस होगा माइनस होगा, कहाँ प्लस माइनस हो रहा है, इसके अलावा क्या है, मैं ये पूछ रहा हूँ इसका फॉर्मूला क्या है, व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ दिस क्वांटिटी, एग्जैक्ट फॉर्मूला क्या है, इसको उसी को ओपन करके बताओ ना, एक तो तुम लोग एकदम इतने अंग्रेज हो गए कि मैंने वो फॉर्म लिख दिया तो वही फॉर्म बोलना है, इसके अलावा कितने टर्म्स हैं, ये आता है ना पूरा इसके फॉर्मूला में ये टर्म्स आएंगे ना, इस फॉर्म में बताओ फॉर्मूला, इस फॉर्म में ओपन करके बताओ, बताओ भाई तुम देख के बताओ कितने टर्म्स एक्स्ट्रा है, जो लोअर बाउंड में लिखा उसमें कितना टर्म एक्स्ट्रा है, ये दिख रहा तुम्हें, सो ये जो क्वांटिटी पॉजिटिव है सो क्या मैं बोल सकता हूं कि दिस क्वांटिटी इज मोर देन इक्वल टू, चलो लिख ही देता हूं, सो दिस क्वांटिटी इज मोर देन इक्वल टू पी ई वन प्लस पी ई टू प्लस पी ई थ्री माइनस पी ई वन इंटरसेक्शन ई टू ऐसा मैं बोल सकता हूं कि ये जो क्वांटिटी है इससे ज्यादा होगी,
क्यों ज्यादा है? अब ये बताओ ऐसा क्यों हो रहा है कि ये क्वांटिटी इससे ज्यादा क्यों है? Why this quantity is more than this? हाँ यही तो मैं तुम्हें तब कह रहा हूँ, तुम कह रहे हो नहीं सर प्लस भी आता है माइनस भी आता है, तो जब कोई बोले तो लिख के बोलो ना, तो देख लो लिख के। और जब छोटी चीज में ही कंफ्यूज हो जाते हो, एग्जाम में थोड़ा सा ही घुमा के देगा तो हवा ही लगेगा तुम्हें। ठीक है जी, तो हमने जस्ट इसको, ये जनरल फॉर्म था, सो दिस वाज अ जनरल फॉर्म। ठीक है कि यूनियन ऑफ ई आई इज आई फ्रॉम 1 to n। सो ये जो हम जब समेशन खोलते हैं इसका, तो ये जो फर्स्ट टर्म है ना, इवन आगे प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये क्वांटिटी जस्ट ये टेकन वन टर्म, मतलब वन इवेंट एट अ टाइम एंड टेकन टू इवेंट्स एट अ टाइम, इसका दोनों कॉम्बिनेशन लिया, मतलब ये समझ लो फर्स्ट टू टर्म्स लिए इस समय इसको ओपन में, तो इससे ज्यादा ही होगा, चाहे एन कुछ भी हो, एन अगर 100 है तब भी है ना, सो कुछ भी हो, तो उससे ये रहेगा कि यूनियन ऑफ ई आईज विल बी मोर देन दिस क्वांटिटी। और इसको फोर के लिखना हो, फोर के लिए भी लिख के देख सकते हो, मैं अगर एक लिख के थोड़ा सा एफर्ट्स कर देता हूँ। देखो अगर मैं फोर इवेंट्स के लिए लिखता हूँ यही चीज, सो लेट्स से प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वन यूनियन ई टू यूनियन ई थ्री यूनियन ई फोर, ये जो क्वांटिटी होगी दिस विल बी लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई थ्री प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई फोर। ठीक, ये तो ऑब्वियस है। अब ये किससे ज्यादा होगा, सो दिस विल बी मोर देन, इसका लोअर बाउंड क्या होगा, तो यहां से लिखना मैं शुरू करता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई थ्री प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई फोर, एक एक सेटली एट अ टाइम, माइनस ई वन इंटरसेक्शन ई टू या ई वन इंटरसेक्शन ई थ्री, फिर ई वन इंटरसेक्शन ई फोर, माइनस ई टू इंटरसेक्शन ई थ्री, ई टू इंटरसेक्शन ई फोर, ई थ्री इंटरसेक्शन ई फोर, हो गया ना सारे कॉम्बिनेशन। सो टेकन वन सेट एट अ टाइम एंड देन टेकन टू सेट्स एट अ टाइम, तो मतलब ये जो नंबर आया इतना लार्ज क्वांटिटी आपको दिख रहा होगा, दिस इज द लोअर बाउंड, तो ये जो है इसका जो भी वैल्यू आएगी, दिस इज द लोअर बाउंड ऑफ दिस क्वांटिटी एंड दिस इज लेस देन दिस क्वांटिटी, तो ये अपर बाउंड है और ये लोअर बाउंड है। तो यहाँ पहले एक एक सेट का सम लिया, पर दो दो का डिफरेंस लिया, जब हम इसका फॉर्मूला ओपन करेंगे तो ये तो आएगा ही, अब इसके अलावा यहाँ पे प्लस भी आएगा फिर माइनस आएगा तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, अगर ये फोर सेट्स हैं, सो यहाँ पे आगे अगर इसका फॉर्मूला अगर हम ओपन करते हैं, है ना, सो इफ यू ओपन इसका फॉर्मूला करेंगे, ये टर्म्स तो आएंगे ही, पी वन पी टू पी थ्री पी फोर माइनस ऑल दिस, देन आएगा प्लस ई प्रॉबर्टी ऑफ ई वन इंटरसेक्शन ई टू इंटरसेक्शन ई थ्री प्लस प्रॉबर्टी ऑफ ई टू इंटरसेक्शन ई थ्री इंटरसेक्शन ई फोर एंड सो ऑन चलता रहेगा, और लास्ट में रहेगा प्लस में, सॉरी माइनस था प्लस फिर माइनस में रहेगा, तो लास्ट में माइनस में रहेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वन इंटरसेक्शन ई टू इंटरसेक्शन ई थ्री इंटरसेक्शन ई फोर, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये थ्योरम है, तो हमें इसमें तुम एग्जाम्पल लेके वेरीफाई कर सकते हो आप, सो दिस इज जस्ट अ थ्योरम। ठीक है, और इसका नाम है एक्चुअली, इस थ्योरम का नाम है, सो इसी का नाम है ये जो थ्योरम है, दिस इज, ये राइट पार्ट तो ऑब्वियस है, जो लेफ्ट पार्ट है इसका नाम है बोनफेरोनी इनइक्वालिटी, यही है। ये कुछ बुक में थोड़े से उल्टा लिखता है, गुप्ता कपूर में इसको लिखा होगा, गुप्ता कपूर में इसको लिखा होगा बूल्स इनइक्वालिटी, चेक कर सकते हो। ठीक है ना, सो अब ये बुक्स की बात है, भिकेर वैद्य में इसको लिखता है बोनफेरोनी इनइक्वालिटी, शायद गुप्ता कपूर में इसको बूल्स इनइक्वालिटी लिखा है, और जो अगला रिजल्ट है जैसे एग्जाम्पल के लिए, तो ये अलग अलग बुक्स है, लेकिन जहाँ तक मैं मानता हूँ, है ना, एक बार चेक कर लेना तुम लोग, किसी बच्चे ने बताया था मुझे, स्टूडेंट नहीं किसी ने बताया था, क्योंकि गुप्ता कपूर बहुत कम पढ़ता हूँ मैं, तो उसने बताया था सर ये ऐसा लिखा हुआ है, चेक कर लेना एक बारी। तो प्रोबेबिलिटी में किसी को पूछना है, ठीक है ना, अगला जो है, तो ये मैं अभी, है ना, ये नहीं मान के चल रहा हूँ मैं, ये अभी जो करता हूँ, तो एक्चुअली जो मैं अज्यूम करूंगा, अब डिपेंड करता है बुक्स कौन सी पढ़ रहे हो तुम, उस पर डिपेंड करता है, पता नहीं ये लोग कैसे कन्फ्यूजन क्रिएट कर देते हैं ऑथर लोग, कोई कुछ लिख देता है कोई कुछ लिख देता है।
राइट राइट, कौन सा बुक है आपके पास? अच्छा तो वही लिखा होगा फिर तो, ठीक है फिर तो यहाँ भी यही है फिर तो, कोई बच्चा गलत बताया होगा फिर मुझे, वही बता रहा था कोई बच्चा फिर तो वहाँ बोनफेरोनी इनक्वालिटी क्या लिखा हुआ है? बोल्स इनक्वालिटी दो तीन पार्ट है क्या वहाँ बोल्स इनक्वालिटी के गुप्ता कपूर में? अच्छा ठीक है, सो बोनफेरोनी इनक्वालिटी नहीं है, ठीक है। तो जो हमारे पास तो ये सब जो इनइक्वालिटीज है ना, ये कोई हमें जस्ट हेल्प करती है क्वेश्चन सॉल्व करने, कई बार इस पे क्वेश्चन फ्रेम कर दिया जाएगा तो आप उसको या तो डायरेक्ट इनइक्वालिटीज ही क्वेश्चन आ जाएंगी या इस पे बेस्ड कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको प्रोबेबिलिटी कंपेयर करना पड़ेगा और अगर उस पे फिट नहीं हुआ तो डिस्कार्ड कर सकते हैं। ये है सो यहाँ पे क्या होता है, ये जस्ट बोलता है कि इसका अगर स्पेशल फॉर्म लिखूं, सो E1 इंटरसेक्शन E2 is more than equal to 1 minus probability of E1 complement, यही लिखा हुआ है ना वहां भी, फिर तो ठीक है। So E1 intersection E2 intersection E3 is more than equal to 1 minus E1 complement E2 complement E3 complement, ठीक है देखो। So, इसी को जनरलाइज कर दूं अगर मैं, सो अगर इसको मैं जनरलाइज कर, जैसे आप बता रहे थे, सो उसी को अगर मैं जनरलाइज कर देता हूं कि E1 या ना, तो उसको शॉर्ट में लिख देता हूं, सो लाइक इससे बेटर है डायरेक्टली ऐसे लिख दूं मैं, इंटरसेक्शन ऑफ EIs I फ्रॉम 1 टू n मोर देन इक्वल टू 1 माइनस, अब इसी को मैं डायरेक्टली समेशन में लिख देता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ EI कॉम्प्लीमेंट I फ्रॉम 1 टू n, सेम है ना, क्योंकि इसको मैं ऐसा लिख सकता था और इन सबको एक साथ कंबाइन कर दिया, तो ठीक है। इस पे कई बार एग्जाम में आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे या क्वेश्चंस, तो उसको सॉल्व पता होना चाहिए क्या है, ठीक। n माइनस वन दिया है, क्या लिखा हुआ, क्या लिखा है? एक मिनट एक मिनट, वो क्या पूरे पे समेशन लगा दिया क्या? अच्छा मेरे को वेरीफाई करता हूँ इस, इन लोगों ने क्या लिखे हैं, सो इसके बुक में क्या लिखा है, ऐसे ने टू के लिए लिखा है, यहाँ तो ये लिखा हुआ है विक्रवाद के में, वहाँ हो सकता है ऐसा लिखा हो, आप क्या कह रहे हैं वहाँ पे ये लिखा हुआ है, आप ये कहना चाह रहे हैं कि वहाँ इसने लिखा है इंटरसेक्शन ऑफ EI I from 1 to n less than equal to n minus 1 क्या माइनस, सॉरी अच्छा ये आप कह रहे हैं कि ये लिखा हुआ है ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस n माइनस 1 प्लस समेशन में I 1 टू n ea, अच्छा अच्छा ओके चलिए इसको मैं जस्टिफाई, ये है ठीक है, देखिए तो मैं उसको जस्टिफाई कर देता हूँ, सेम ही चीज है जो मैंने लिखा है और जो इन्होंने लिखा है वो सेम ही है, कैसे है देखिए, तो मतलब एक ही रिजल्ट से आ जाएगा। सो यहां मैंने ये लिखा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ EIs मोर देन इक्वल टू दिस, मैंने ये लोअर बाउंड बताया है इसका, अब ये इसका अपर बाउंड बता रहा था, अच्छा है ना दोनों को कंबाइन कर देते हैं सही रहेगा, देखिए तो मैं इन दोनों रिजल्ट को कंबाइन कर देता हूं, सो होगा क्या, सेम रिजल्ट मैं इसको थोड़ा एक्सटेंड करता हूं, समझिए, सो व्हाट इफ आई राइट प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन ऑफ EI कॉम्प्लीमेंट I फ्रॉम 1 टू n, ये क्या हो जाएगा, उसी रिजल्ट से आगे बढ़ता, जो आपने बताया ना उससे आगे बढ़ता हूं मैं,
देखो नहीं, एक ध्यान से बताइए, ये थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, कहीं एक जगह कॉम्प्लीमेंट लिखा होगा, कहाँ पे कॉम्प्लीमेंट है? ठीक से बताइए, थोड़ा गलती यहाँ पे हुआ है, यहाँ क्या है और यहाँ पे क्या है? कहीं एक जगह कॉम्प्लीमेंट होगा, कहीं कॉम्प्लीमेंट नहीं है। अच्छा, तो मतलब यहाँ मान लो इंटरसेक्शन ऑफ ए आईज है और यहाँ जस्ट ए आईज है, ये है रिजल्ट है। अच्छा ठीक है, चलो तो इसको मैं थोड़ा सा सिंपलीफाई करते हैं, आ जाएगा फॉर्म में आ जाएगा। तो ये जी नहीं नहीं वो तो इधर है माइनस, इसलिए देखो तो इसको तुम्हें प्रॉब्लम है, तुम इधर लिख लो, ये चीज़ है, जरा समझिए मैं लिखता हूँ इसको, थोड़ा सिंपलीफाई करता हूँ। सो इंटरसेक्शन ऑफ ए आई आई फ्रॉम वन टू एन मोर देन इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस समेसन ऑफ वन वन फ्रॉम वन टू एन माइनस वन, ऐसा लिख सकते हैं, या एक काम करते हैं इसको ठीक से लिखते हैं, इसको मैं ऐसा लिखता हूँ समेशन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई आई फ्रॉम वन टू एन, एक काम करो ना छोड़ो, इसको खोलूंगा तो क्या हो जाएगा, ये वन माइनस एन हो जाएगा ना, हाँ है ना, माइनस एन प्लस वन, तो वन माइनस एन, और इसको एज इट इज लिखो। सो देखो जो इन्होंने लिखा है ना, जो मैंने लिखा वो सेम ही है, बस थोड़ा प्रूफ करना पड़ेगा मुझे, तो अभी मैं डिराइव करके चेक कर लेता हूँ। आई फ्रॉम वन टू एन मोर देन इक्वल टू वन प्लस समेशन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई, या माइनस कॉमन लेते हैं, तो ये हो जाएगा एन माइनस समेशन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई आई फ्रॉम वन टू एन, ठीक ऐसा लिख सकता हूं मैं, यहां माइनस कॉमन ले लिया। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए आईज आई फ्रॉम वन टू एन इज मोर देन इक्वल टू वन माइनस, इसको मैं लिख सकता हूँ समेशन वन आई फ्रॉम वन टू एन माइनस समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई आई फ्रॉम एन, ठीक है यहाँ तक। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए आई आई फ्रॉम वन टू एन इज मोर देन इक्वल टू वन माइनस, समेशन कॉमन ले लूँ, तो अगर मैं समेशन कॉमन ले लूँगा तो क्या बचेगा, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आईज कॉम्प्लीमेंट, यही कॉम्प्लीमेंट मैं ढूंढ रहा था वहां पे। सो आई फ्रॉम वन टू एन, अब इसको ठीक से लिख देते हैं, तो देखो सो यहां से क्या हुआ, एक्चुअली इसको इधर बुला लो और इसको उधर भेज दो, इस वाले टर्म को यहां बुला लो और इस वाले टर्म को वहां भेज दो, ठीक, तो क्या हो जाएगा ये प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये रहने दो अभी, ठीक है ना ये। अच्छा मैं अगर ऐसा करूं इसमें ए आई की जगह मैं ए आई कॉम्प्लीमेंट ले लूं, मतलब क्या बोलते हैं उसे, सो एक तो चीज ये समझ आ गई मुझे यहां से ना, हमने क्या लिखा था कि हमने लिखा था मैच हो गया ना, अच्छा वही तो कह रहा था, हाँ ठीक है फिर तो मैच हो गया, हाँ सो लो मैच हो गया फिर तो, हाँ यही मैं पूछ रहा था ना, ठीक है तो जो हमने लिखा है वो मैच कर गया एक्चुअली। सो राइटिंग दिस इज इक्विवेलेंट टू राइटिंग दिस, तो उस है ना गुप्ता कपूर वाली बुक में इन्होंने ऐसे लिखा है, इन्होंने ऐसे लिखा है, तो सेम ही चीज़, मैंने ये प्रूफ कर दिया कि ये लिखना और ये लिखना एक ही बात है, तो हमने ये लिखा है, उन्होंने ये लिखा है। अब एग्जाम में कई बार क्या होता है, एमएसक्यू है, ये भी लिख दिया ये भी लिख दिया, तो आपको पता होना चाहिए कैसे इक्वल दिखाना पड़ेगा, ये कैसे इक्वल आया, है ना, होता है ना ऑप्शन एमएसक्यू है, अब व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज आर ट्रू, अब एक ऑप्शन ये भी है एक ऑप्शन ये भी है, अब आपको देख ही याद रहेगा तो एक आप छोड़ोगे तो देखना पड़ेगा इक्वल तो नहीं है, तो इस तरह ड्राइव करने पड़ेंगे जो मैंने ड्राइव किया यहाँ पे, सो सेम चीज़ है फिर तो, है ना। सो ऐसा आ गया, हमने ये लिखाया था ठीक है ये, है ना, तो ये हमारा ठीक है ना। तो बोनफेरोनी इनइक्वालिटी क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन एआई का लोअर बाउंड और अपर बाउंड मिल रहा था, यहाँ बूल्स इनइक्वालिटी में हमें इंटरसेक्शन ऑफ ए आईज का लोअर बाउंड मिल रहा है, ये लोअर बाउंड है इसका, है ना, अपर बाउंड तो ऑब्वियसली वन है, तो वन तो एक ऑब्वियस अपर बाउंड है, सो नॉन ट्रिवियल ढूंढना पड़ेगा, तो ये है कई बार एग्जाम में आ जाएगा। आगे थोड़ा बढ़ते हैं, तो ये सिलेबस क्या कहता है थोड़ा एक बार देख लो, और कुछ क्वेश्चंस मैं करवाता हूँ एक मिनट, है ना, इससे पहले मैं कुछ क्वेश्चंस लिखाता हूँ, तो देख लेते हैं टॉपिक्स क्या हमने देखा अभी। सो एक्सियोमेटिक डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोबेबिलिटी फंक्शन, ये जो प्रॉपर्टीज में यही चीज़ है,
कि ए कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला क्या होगा, ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या है, ए इंटरसेक्शन बी कैसे फाइंड करोगे, या लाइक ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या है, प्रॉपर्टीज़ में यही चीज़ है। फिर आगे कंडीशनल प्रॉपर्टी, तो कंडीशनल पे आने से पहले कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं, ठीक है। तो फिर आएगा, तो देखो जो भी वर्ड प्रॉब्लम्स अगर आएंगे तो यही आएगा ना इस पर, तो एक दो क्वेश्चन देख लो जरा, मैं एक दो क्वेश्चन लिखता हूँ, आप ट्राई करना। सो अभी अब ये सब आपको इंटरप्रिटेशन पता है ना आप लोगों को, एटलीस्ट टू अकर्स, एटमोस्ट टू अकर्स, ये सब बता दोगे। ये सब इंटरप्रिटेशन पता होना चाहिए। जस्ट एक तो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, मैं एक वो लिख देता हूँ। और जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है, अच्छा मुझे लगा इंडिपेंडेंट इवेंट पढ़ाने के बाद कुछ वैसे होगा, नहीं तो यहाँ पे सब इंडिपेंडेंट वाले हैं। लिखो, एक क्वेश्चन है कि समझ कहीं कहीं कंडीशनल ये यूज कर रहा है, तो कंडीशनल अगर मैं यूज करूंगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा ना, कंडीशन पढ़ाए नहीं, पढ़ाने के बाद यूज़ करेंगे। ये बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वन इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टू इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए थ्री इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फोर, ठीक है। ये तुम्हें दे रखा है 1/3, ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वन इंटरसेक्शन ए टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टू, जस्ट एक प्रैक्टिस के लिए कि जो आपने पढ़ा उसको अप्लाई कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, देख लो एक बार। ए वन इंटरसेक्शन ए टू, ए टू इंटरसेक्शन ए थ्री, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए थ्री इंटरसेक्शन ए फोर, या जितने भी पॉसिबल है, कितने केसेस पॉसिबल है, ये सब इक्वल है। सो ए वन ए टू, ए टू ए थ्री, ए थ्री ए फोर, है ना, हाँ, ई वन इंटरसेक्शन ई थ्री, या ई वन इंटरसेक्शन ई फोर, या इक्वल होगा E2 इंटरसेक्शन E4, ये सब इक्वल है 1/6 के, और प्रोबेबिलिटी ऑफ, एक तो मैं ई ए से ई पे कैसे शिफ्ट हो गया, पहले ए चल रहा था ना, सो ए ही लिख लो, इवेंट ए है तो ए है, ठीक है ना, मतलब वो सारे पॉसिबल केसेस हैं 1 2 2 3 3 4 1 3 1 4 2 3, जो भी पॉसिबल केसेस हैं 2 के वो हो गया।
फिर आपको बोल रहा है ए वन इंटरसेक्शन ए टू इंटरसेक्शन ए थ्री। जी क्यों 1/4 होगा? अच्छा मैं चार लिख दिया, एक मिनट एक मिनट। तो हाँ ठीक है चलो, मैं तुम्हें इसको तुम कह रहे हो तो उसको मैं चेंज कर देता हूँ, रुको एक मिनट। सो इसमें ऐसा है कि वन बाई फोर करते हैं, तो 1/3 अगर ईच की प्रोबेबिलिटी होगी तो क्या होगा? या ठीक है एक सौ थोड़ा कम कर देता हूँ, रुको इसको ना आसान बना देता हूँ। तो अब 1/3 पॉसिबल है ना, तो इतना थोड़ा मैं चेंज कर रहा था क्वेश्चन को, तो चेंज करना ना गलती हो जाएगी। तो रुको 1 2 2 3 3 1 है ना, अब ठीक है ये उसको मैं चेंज नहीं करता हूँ, चलो यही रखो, ये 1/6 ये ठीक है। अब 1 2 2 3 3 4 अब उनसे पूछना चाह रहा है कि क्या प्रॉब्लम, ये भी दे रखा है चलो इंटरसेक्शन तीन का दे रखा है ये चीज़। तो मुझे बताओ पहला पार्ट ये है तुमसे पूछा जा रहा है, पहला पार्ट द प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ ए वन ए टू ए थ्री ऑकर्स, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है ये बताना है। दूसरा चलो भाई ये बताओ क्या होगा, फिर दूसरा पूछता हूँ। आंसर बताओ, आंसर ये कहानी वो मुझे ही पता कैसे सॉल्व होगा, आंसर बताओ सॉल्व करके। तो अभी जो मैंने थ्योरी पढ़ाया ना उसी थ्योरी के बेस्ड क्वेश्चन है, तो सुबह से अप्लाई करना, एग्जाम में ऐसी क्वेश्चन मिलेगा तुम्हें। ठीक है बाकी बताइए। एग्जैक्टली टू ऑफ ए वन ए टू ए थ्री अकर्स, ये बोल रहा है एटमोस्ट वन ऑफ ए वन ए टू ए थ्री अकर्स, एटमोस्ट वन। कॉन्सेप्ट क्लियर क्विकली निकाल पाएंगे, जिनको नहीं है तो, और एग्जाम में क्वेश्चन ही सॉल्व करने होते हैं, क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे मार्क्स नहीं आएंगे, क्वालिफाई नहीं होगा, तो क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए, उसके लिए बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। सिक्स क्वेश्चंस लिखे हैं, गिवन इंफॉर्मेशन है बेस्ड, बस आपको ये देखना चाहता हूँ कि इसमें जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, मतलब थोड़े से लैंग्वेज में इवेंट्स हैं ना, उसको मैथमेटिकली चेंज करके फॉर्मूला लगाने, जो समझ ना आए पूछ लेना, ये जो राइटिंग मेरी ना बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो हो सकता है आपको समझ ना आए तो पूछ लेना जो भी समझ ना आए।
लगाओ, जो भी समझ आ रहा है आप ये भी मैं ही बता दूँ, सीखोगे क्या, लगाओ गलतियाँ करो, यही तो तुम्हें मैं पिछले एक साल से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि तुम क्वेश्चन करो, गलतियाँ करो, रुको नहीं, जहाँ ऐसा नहीं जहाँ वो हुआ छोड़ दिए, अरे गलतियाँ करो, सॉल्व करो, गलतियाँ करो, उससे सीखोगे, जो तुम्हें समझ आ रहा है वो सॉल्व करो, ठीक है, और बाद में देखो क्या गलती हुई, अगर आंसर नहीं या तो सही आ जाएगा या गलत आया तो देखो क्या गलती हुई। ओके तो ठीक है, तुम्हारा टू आंसर है, तो नया तरीका लगाओ, अब देखो क्या गलती हुई है, यू ट्राई न्यू वे। ठीक है जी, थ्योरी तो हर किताब में लिखा हुआ है, पढ़ लोगे आप, लेकिन थ्योरी को अप्लाई कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो ये डिसाइड करेगा आपका एग्जाम निकलेगा कि नहीं निकलेगा, जितना अच्छा अप्लाई करोगे उतने ज़्यादा नंबर आएंगे। ये लगाओ, बताओ आंसर। रहा है 3 का 5/6। ओके बाई सिक्स और 2/3 और 1/2
अच्छा, तो सबका 0 ही आ रहा है। ओके, बाकी लोग देख लो भाई, दो चार लोग अपना अपना आंसर मैच करो, पता चल जाएगा। क्वेश्चन सॉल्व करो, देखो तुम कितनी भी मेरी वीडियो देख लो, कोई बुक, कितनी भी थ्योरीज पढ़ लो, अगर ये सब नहीं सॉल्व कर रहा, मैं बता रहा हूँ जेन्युइन प्रॉब्लम आपके साथ है, एंट्रेंस नहीं निकलेगा आप लोगों से। जो लोग क्वेश्चन का फाइनल आंसर नहीं निकाल पा रहे ना, अगर आपने पूरे साल ये सब नहीं सीख पाए तो एग्ज़ाम में भी सॉल्व नहीं होगा, एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं तो आप कैसे करोगे। तो ये सब आपको आना चाहिए, हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अगर इस तरह क्वेश्चन आएंगे आप एग्ज़ाम में भी नहीं कर पाओगे, इसका मतलब यू शुड नो हाउ टू सॉल्व। ये और क्वेश्चन सॉल्व करके ही सॉल्व करना आएगा, ऐसे नहीं अचानक आ जाएगा, तो आपको ट्राई करना है। सॉल्व कर पाओगे? मैं सॉल्व कर देता हूँ, चलो देखो कौन सा पार्ट सॉल्व करूँ बताओ, कहाँ से स्टार्ट करूँ, पहले से ही? अच्छा, सबने ट्राई किया है तो क्या बोला है कि A1, A2, A3 दे रखा है, इंटरसेक्शन भी दे रखा है तीनों, और ये दे रखा है। अब आपसे पूछ रहा है ये कि नॉन ऑफ द इवेंट ऑकर, तो पहला तो ये हो गया, चलो इधर करता हूँ सॉल्व में। सो फर्स्ट पार्ट था नन ऑफ द इवेंट अकर, तो नन का मतलब A1 डज नॉट अकर एंड A2 डज नॉट अकर एंड A3 डज नॉट अकर, यही है। सो क्या हो जाएगा, इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी A1 यूनियन A2 यूनियन A3 का होल कॉम्प्लीमेंट है ना, नॉन ऑफ द इवेंट अकर, तो कोई भी अकर नहीं कर रहा है, तो हो गया 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 यूनियन A2 यूनियन A3, और ये आ गया 1। इसका फॉर्मूला जानते होगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A3, तो 3 टाइम ईच की प्रोबेबिलिटी आई थिंक 1/3 थी ना, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ, मतलब माइनस में, हालांकि तो ब्रैकेट में लिखेंगे तो प्लस होगा, सो है ना, तो माइनस में 3 बार आएगा, तो ये सेम ही तो है तीनों, 1/6, तो ये 3 टाइम 1/6 हो जाएगी, प्लस प्रॉबर्टी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3, राइट, तो ये हमें दे रखा है 1/6 ये भी, सो ये हो गया 1/6। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, सो 1 माइनस, सो है ना, तो ये कट जाएगा 1 और ये 3/6, तो ये कितना आ जाता है। अच्छा ठीक है फिर, तो सो 1/2 प्लस 1/6, सो 3 प्लस 4/6 2/3, 2/3 फिर 1/3 हो जाएगा, ठीक है हाँ। सो ये 2/3 है, फिर ये 1/3 हो गया, तो ये तो ओके है। चलो अगला पार्ट देखो, तो पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट क्या कह रहा था कि एग्जैक्टली टू ऑफ दिस ऑकर, सो जो दूसरा है कि एग्जैक्टली टू ऑफ, एग्जैक्टली टू बोल दिया, ठीक है ना। सो लाइक A1 अकर, A2 अकर एंड A3 डज नॉट अकर, ऐसा समझ सकते हो आप, या आपको ऐसे नहीं लिखने का मन है तो आप ऐसे लिख लो, इंटरसेक्शन A3 कॉम्प्लीमेंट, एग्जैक्टली टू अकर होने चाहिए, A1 डज नॉट अकर, A2 अकर, A3 अकर, या है ना, A1 A2 अगर A3 डज नॉट अगर, A2 A3 अगर A1 डज नॉट अगर, A1 A3 अगर A2 डज नॉट अगर, यही चीज है ना, एग्जैक्टली टू, तो देर आर थ्री इवेंट्स, तो एग्जैक्टली टू अगर, तो मीन्स थर्ड वन विल श्योरली डज नॉट अगर, तो कॉम्प्लीमेंट लगा दिया, जो डज नॉट अगर है उस पर कॉम्प्लीमेंट लगा दिया। अब इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला होता है A1 इंटरसेक्शन A2 माइनस, इसका फॉर्मूला A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3, ये है ना जी, A माइनस B का फॉर्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A माइनस इंटरसेक्शन B, तो यही चीज चलती रहेगी। तो हालांकि ये तो हमें इक्वली लाइकली दे रखा है ना, A1 A2 A3 तीनों प्रोबेबिलिटी सेम ही है,
तो यही चीज रिपीट होगी एक्चुअली. इसको लिखेंगे प्रॉबर्टी ऑफ ए टू इंटरसेक्शन ए थ्री माइनस दिस. सो यही चीज तीन बार आ जाएगी. मैं जस्ट ज्यादा लिख रहा हूँ क्योंकि प्रॉबर्टी इक्वल है, इसलिए ऐसा लिख रहा हूँ. वहाँ पे हमेशा नहीं लिख सकते आप प्रॉबर्टी, यहाँ इक्वल है इसलिए लिख पा रहा हूँ. तो इसकी प्रॉबर्टी कितनी थी, 1/6 थी, और ये भी 1/6 थी इन टू थ्री, क्योंकि ये सेम ही था, तो जीरो आ गया. ठीक है, फिर तीसरा पार्ट है. सो द थर्ड पार्ट इज कि एटमोस्ट वन ऑफ दिस ऑकर्स. सो एटमोस्ट वन, ज़्यादा से ज़्यादा एक होगा, ज़्यादा से ज़्यादा एक होगा. इसका क्या मतलब है, आइदर वन ऑकर्स और नो ऑकर्स, है ना. सो एटमोस्ट वन ऑकर, तो ज़्यादा से ज़्यादा एक ऑकर होगा. सो एक मतलब ए वन ऑकर होगा, ए टू डज नॉट ऑकर, ए थ्री डज नॉट ऑकर, और ए टू ऑकर्स, ए वन डज नॉट ऑकर, ए थ्री डज नॉट ऑकर, ए थ्री ऑकर्स, ए वन डज नॉट ऑकर, है ना, ये कॉम्प्लीमेंट है. ए टू डज नॉट ऑकर, और एक और कंडीशन है, एटमोस्ट वन था, ज़्यादा वन ऑकर करेगा, दैट एग्जैक्टली वन या नो ऑकर्स, ये ना एटमोस्ट वन का मतलब. सो नो ऑकर्स, सो ये हमने ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में फाइंड किया है, इसको पहला पार्ट में ही था. अब बाकी कर पाओगे सॉल्व, ये लिखूं आगे. सो यही चीज़ है, फॉर्मूले लगाना है जस्ट. सो यहाँ हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ये ए वन इंटरसेक्शन, इसका कंबाइन कर लो, कंबाइन करोगे ए टू यूनियन ए थ्री का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा. सो ए टू यूनियन ए थ्री का कॉम्प्लीमेंट, थोड़ा सा यहाँ कैलकुलेशन करने पड़ेंगे. ठीक है, इसको सॉल्व करके आओ आगे, समझ पा रहे हो, क्योंकि यहाँ इंडिपेंडेंट भी यूज नहीं कर सकते आप. तो इसको सॉल्व करो, बस मैथमेटिकल फॉर्म लिख देता हूँ मैं, जिनको समझ नहीं आ रहा है. फोर्थ लिख देता हूँ, जिनको समझ नहीं आ रहा उनके लिए मैथमेटिकल फॉर्म, बाकी सिंप्लीफाई करना. फोर्थ था एटलीस्ट टू ऑफ दिस ऑकर्स, तो एटलीस्ट टू, कम से कम टू ऑकर हो रहा है, तो इसका मतलब एटलीस्ट टू. तो टू ऑकर्स, ए वन ए टू ऑकर्स, ए थ्री डज नॉट ऑकर, या ऐसे ही ए टू ए थ्री ऑकर्स, ए वन डज नॉट ऑकर, या ए वन ए टू ऑकर ना, ए टू ए थ्री ऑकर्स. अब क्या रह गया, ए वन ए थ्री ऑकर्स, ए टू डज नॉट ऑकर था, एटमोस्ट टू था ना, ये क्या लिखा हुआ था, एटमोस्ट टू था, एटमोस्ट, एक मिनट रुको, कौन सा कर रहे हैं, फोर्थ कर रहे हैं ना, एटलीस्ट टू है. तो एटलीस्ट टू, एटलीस्ट टू का क्या मतलब है, कम से कम टू, तो टू या मोर देन टू. सो ऑल थ्री ऑकर्स, तो ये हो जाएगा ए वन इंटरसेक्शन ए टू इंटरसेक्शन ए थ्री, ये आ गया. ऐसे ही बाकी लिख देता हूँ, सॉल्व कर लेना इसको, इसके वैल्यूज आ जाएगा, नहीं होगा तो पूछो, ना हो तो अभी पूछना आप डाउट क्लास में. पांचवा है एटलीस्ट वन ऑफ देम ऑकर्स, एटलीस्ट वन ऑकर्स मतलब व्हाट, ये तो आसान है ना, एटलीस्ट वन ऑकर्स, ए वन और ए टू और ए थ्री ऑकर्स, बस इतना ही निकाल लो. एग्जैक्टली वन ऑफ दिस ऑकर्स, तो ये वैसे ही हो गया एग्जैक्टली टू वाले जैसा, एग्जैक्टली वन ऑकर हो रहा है, तो वो सेम ही है ना. एग्जैक्टली वन का मतलब ए वन ऑकर्स, यहाँ लिखा था, एक मिनट, ये केक्स का लिखा था मैंने, फिर ये थर्ड तो एग्जैक्टली, अच्छा एटमोस्ट था ना ये, एटमोस्ट वन ऑकर्स, एग्जैक्टली वन में यही तीन टर्म आ जाएंगे, पहला वन, पहले तीन टर्म आ जाएंगे. ठीक है ना, ये तो ऐसे ही आ जाएगा, एग्जैक्टली वन ऑकर्स मतलब ए, exactly one occurs ना. So a one occurs, a two does not occur, a three does not occur, a two occurs, a three does not occur, a one does not occur. Mic mute कर लो, किन कौन है. So यहाँ से plus a three occurs, a one does not occur, है ना, a one does not occur, and कौन सा रह गया, a two does not occur, ये हो गया एग्जैक्टली वन ऑकर्स. ठीक है, इसकी वैल्यूज निकाल लो फॉर्मूले से, आ जाएगा, नहीं तो पूछो फिर डाउट क्लास में. तो अभी यहीं स्टॉप करता हूँ आज की क्लास. तो अभी आप लोग थोड़े जो मैंने बेसिक अभी डिस्कस किया, आज तो एक्सोमेट्रिक डेफिनेशन डिस्कस किया, उस पर कुछ रिजल्ट डिस्कस किए, सिग्मा फील्ड थोड़ा सा डिस्कस किया, और एक क्वेश्चन कर रहे थे जस्ट हम, है ना. तो और क्वेश्चन मैं अगले क्लास में कराऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करना ज़्यादा जरूरी है. जितने भी असाइनमेंट ग्रुप में मैंने भेजे हैं ना, यू ट्राई टू सॉल्व एज मच एज पॉसिबल, जितना आप कर सकते हो सॉल्व करो, सीखो.
हाँ तो कोई बात नहीं, अब आंसर की अगर नहीं तो आंसर की बनवाना पड़ेगा, तो आप में से ही कोई है तो बनाओ, उसको ऐड कर दो ग्रुप में भेज दो, इतना अगर आप कर सकते हो कोई जो सिंसियर है यूजर्स, अपना सॉल्यूशन लिखो, आपके जो आंसर किया है वो ग्रुप में उस पीडीएफ के साथ उसको अटैच करके चाहे तो मर्ज करके ऑनलाइन भेज दो या ग्रुप में भेज दो, कोई वेरीफाई कर लेगा फिर उसको अगर कर देना है ना, क्योंकि अगर नहीं है तो फिर आंसर की बनवाना पड़ेगा, तो इससे बेटर है कि आप में जो ठीक ठाक जो स्टूडेंट ठीक ठाक जानते हैं ठीक ठाक प्रैक्टिस कर रहे हैं, यू मेक योर ओन सॉल्यूशन, जो क्वेश्चन आपसे सॉल्व ना हो। नहीं नहीं देखो पहले आप अपना आंसर की भेजो बस, आपके जैसे और भी अच्छे बच्चे ग्रुप में हैं वो भी सॉल्व करेंगे, फिर मैच करना वो हो जाएगा, क्योंकि सॉल्यूशन एक एक चेक करना बहुत डिफिकल्ट टास्क हुआ, क्योंकि इतना बैचेज चल रहा है मेरा कि अगर चेक नहीं कर पाऊंगा है ना, ये दिक्कत है। तो उसमें करना ये, आपको जो कोई क्वेश्चन डाउट है तो आप क्लास में डिस्कस करो मेरे साथ, बट ऐसा होगा नहीं, देखो जो आप कर रहे हो आप खुद पर भरोसा रखो, सॉल्यूशन में टीम वाले किसी को बोल के बनवा सकता हूँ, वो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो वो भी आपके जैसा ही कोई स्टूडेंट, कोई गेट की तैयारी कोई नेट की तैयारी कर रहा है, वही लोग हैं ज़्यादातर जो लोग हमारे है ना कंटेंट बना रहे हैं जो लोग, सो है ना, कोई एमएससी कर रखा है तो नेट की तैयारी कर रहा है, कोई गेट कोई पीएचडी कर रहा है, इस तरह से है। सो मैं चाहता हूँ आप में से ही जिनको एटलीस्ट जो सिंसियर बच्चा है खुद बनाओ, ग्रुप में पोस्ट करो, फिर बाकी लोग वेरीफाई कर लेंगे, तो उसी वही आंसर की हो जाएगा, उसको अटैच कर दूंगा मैं उसमें, ये है। और अगर खुद पर भरोसा रख के आप डाउट मेरे से डिस्कस करो जो नहीं होता है, क्योंकि आंसर की नहीं है जिसमें तो आप बनवाना पड़ेगा, ये सोल्यूशन है, इससे बेटर कि आप खुद बना दो सोल्यूशन, ये है। और अगर डाउट है तो मेरे से डिस्कस करो, ये है। बाकी मैं कोशिश करता हूँ आप जो असाइनमेंट बनेंगे विथ आंसर की बनेंगे, ये है, ठीक है। चलो अभी स्टॉप करते हैं, जिनको डाउट्स हैं वो रुक जाओ, बाकी लोग जा सकते हैं, तो डाउट्स क्लास अभी शुरू करेंगे 5 मिनट में, स्टॉप कर दीजिए।